हमारी माता है तो पाकिस्तान के बाप हैं। पाकिस्तानी कुत्तों को हम यहाँ से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे, ये प्रस्ताव पर पात्र मुझे आपत्ति है। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हम लगातार देख रहे हैं कि नफरत की महापंचायतें हो रही हैं और साथ ही साथ नफरत फैलाने वाले लोगों को प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जा रहा है, और बुलाने वाले भी कोई और नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार प्रदेश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही जीती जागती तस्वीरें लगातार कभी उत्तर प्रदेश से सामने आती है, कभी हरियाणा से सामने आती है, तो कभी हम देखते हैं कि बेंगलोर से ये तस्वीर सामने आएगी, तो कभी मध्य प्रदेश से ये तस्वीर सामने आती है। कुछ ऐसे ही वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और वायरल होते वीडियो पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन ने इन लोगों को इतनी ढिलाई क्यों दी है जहां ये खुले तौर पर मुसलमानों को काटने की धमकी दे रहे हैं, बकायदा नारे लगा रहे हैं और एक बड़े नेता को गालियां देते हुए अपने मंच से नजर आ रहे हैं। ये आखिरकार जो युवा हैं कट्टर हिंदू युवाओं को तालिबानी बनाने की राह पर क्यों चल पड़े हैं, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से असमर्थ है। ये वही प्रशासन है जो लगातार ये दावे तो करता है कि हमने उन लोगों के ऊपर शिकंजा कस रखा है और हमारा खौफ जो है उन लोगों के दिल में बैठा हुआ है। ये कैसा खौफ बैठा हुआ है, इसके जीते जागते वीडियो सामने आए हैं जहां मुरादाबाद में करनी सेना के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा के वो खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूरजपाल अम्मू की, जहां मुरादाबाद की सरजमी पर खड़े हो करके उन्होंने जो अपनी नफरत की पाठशाला चलाई है। इस नफरत की पाठशाला का पहला वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मैं कल मुरादाबाद के गांव खेर खेता में चला था महाराज जी, मुस्लिम बहुत गांव था। मैंने मास्क लगा रखा था, आगे मुझे यूं करने लगे, जैसे ही मैंने मास्क उतारा सड़क में हाथ नीचे हो गए। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले अगर अपनी कहा गया तो सड़क को चुन चुन के ठोकेंगे। एक नेताजी का बोल आया, थोड़ा गुस्सा कम करना, क्यों भाई मैं हिंगड़ा हूँ क्या? शिकायत ऊपर तक जा रही है, अब क्या करोगे? सोना भी शमशान समिति का प्रधान हूँ 27 साल से, मुझे पता है यही नाम है। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर हिमायू पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता है ओवैसी नाम का कुत्ता, वो हमको हाथ दिखा दे हमारे लिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मर जाना, मिट जाना, शहीद भगत सिंह की तरह अमर हो जाओगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये पहला वीडियो जिसमें सूरजपाल अम्मू साफ तौर पर मुसलमानों को ललकारने का काम कर रहा है, हिंदू युवाओं को भड़का रहा है, और ये खुल करके कह रहा है ना बाबर हुमायूं या कोई ओवैसी अब पैदा नहीं होगा, हम यही गाड़ देंगे, अब ये ठोके जाएंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और रुकिए, अभी जाइए मत, दूसरा भी नफरत का वीडियो इनका सामने आया है जहां ये खुले तौर पर मस्जिदों को तोड़ने की भी धमकी दे रहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। सूरजपाल सिंह को याद करता हूँ, जिन्होंने अपने गाँव के अंदर मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया। मुझे एक नौजवान बता रहा था, कौन सा गांव आपका? घोड़ा गांव में बार बार मस्जिद
बातचीत बन रही है, ये रोकते हैं फिर बनती है, रोकते हैं फिर बनती है। अरे नीर से ही खत्म कर दो, भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के बाप हैं, और इन पाकिस्तानी कुत्तों को हम यहां से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे, ये प्रस्ताव पर पास कर मुझे आपत्ति है। इन हरामजादों को इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास हो रहा है, और हम इनको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, और पता चला अटॉर्नी ने जिनके पास भी बनने शुरू हो गए। बाल का पत्थर उखाड़ो, मैं कह के जा रहा हूं आपसे, कौन कौन नौजवान है जो पत्थर उखाड़ने को तैयार है? इतनी सी बात, कुछ लोग अभी शर्मा रहे हैं हाथ खड़ा करने में। फिर नौजवान बताए, जब पत्थर लगाया पार्क में उसको उखाड़ने की ताकत है कि नहीं है? तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और खुले तौर पर सूरजपाल अम्मू कह रहा है कि मस्जिद की ईंटों को तोड़ेंगे या नहीं, और मस्जिद को पूरी तरीके से मिटाने के लिए हाथों में पत्थर उठाएंगे या नहीं, ये हिंदू युवाओं से संकल्प दिला रहा है। जहां खुद के घर में जवान बेटे की मौत हो गई हो, दूसरे घरों के बेटों को ये पूरी तरीके से ललकार रहा है और एक समाज के खिलाफ भड़काने की लगातार कोशिश कर रहा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी इन पर लगाम लगा रही है, बल्कि इनको स्टार प्रचारक की तरह पेश किया जा रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो, और इसके चलते प्रदेश में जो महापंचायत के पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आने वाले आगामी चुनाव में सूरजपाल का एक नफरती चेहरा दिखा करके वोटों की भीख मांगी जा सके। क्योंकि देश के जो उत्तर प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उनसे बात की जाए तो एक चीज खुल करके कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, मुसलमानों को तंगे हाल कर रखा है, हम उसमें बहुत खुश हैं। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये दूसरा वीडियो आपने देखा है, तीसरा वीडियो जो कि राम भक्त गोपाल जो कि जामिया में फायरिंग करता हुआ पकड़ा गया था, उसका भी वीडियो हरियाणा से सामने आ रहा है। ठीक ऐसी ही सभा लगाई गई है, और किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, एक बार इस पर नजर डालिए। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, हम उनकी को भागे ले जा सकते हैं, अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है, अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाल से हिबाद से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान से सनातन धर्म में लाओ। मैं कटौती से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल रहा है, और राम भक्त गोपाल खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि जब मुसलमान काटे जाएंगे राम राज्य लाएंगे। ये अल्फाज है राम भक्त गोपाल के, और हरियाणा पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर करके मुखदर्शक बने तमाशा देख रही है, जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो खुले तौर पर खुले आसमान में आजाद घूम रहे हैं, और देश की सांप्रदायिकता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं। ये नफरत पर लगाम कब, एक सवाल ये खड़ा होता है, और नफरत के पुजारियों को आखिरकार कब तक भारतीय जनता पार्टी यू बढ़ावा देती रहेगी, जहां एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दावा किया था कि सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास इस बार साथ में लेकर के चलेंगे। खूब विश्वास जीत रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप, जहां खुले तौर पर आपकी ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो दूसरे समुदाय को काटने की धमकी दे रहे हैं, मस्जिदों को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर आपकी खामोशी ये सवाल खड़े करती है कि आपको आपका समर्थन इन लोगों के साथ है जो खुले तौर पर देश में नफरत फैला रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।